तो बता, कल दारा जी का जन्मदिन है और हर साल हम अनाथ आश्रम जाते हैं। अनाथ आश्रम क्यों? क्योंकि ये अनाथ आश्रम दारा जी ने शुरू करवाया था, तो सभी बच्चे जिनका परिवार नहीं होता है, एक दिन के लिए हम उनका परिवार बनते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं और उनके साथ वो सारा प्यार बांटते हैं जो दादाजी के दिल में उनके लिए था। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वेदांत। परंपरा तो दादाजी ने शुरू की थी, मेरी तो बस यही कोशिश है कि उनकी परंपरा को बरकरार रखूं। क्या मैं चल सकती हूँ कल? लो पैर दिखाओ। जी दिखाओ ना। अरे चेक करना पड़ेगा ना कि चल सकती हो कि नहीं। मिसेस पूर्वा वेदांत त्रिपाठी, आप कल हमारे साथ चलेंगी क्योंकि आप भी इस फैमिली का हिस्सा हैं। अब पंखुड़ी क्या हुआ? आई मीन सब ठीक है ना? मतलब मुझे क्या होगा, सब ठीक ही है। नहीं, मेरा मतलब तुम्हारे चेहरे पे जो उदासी है, मैं समझ सकता हूँ उसकी वजह। कोई काम नहीं है ना तुम्हारे पास? डॉक्टर वेदांत और दी को देखकर मैं खुश हूँ, उदासी कुछ भी तुम। यही तो वजह है कि वेदांत पूर्वा के साथ खुश है। गॉड, अब ये क्या मुसीबत पीछे पड़ गया। अंधेरे में तीर चलाया था, अब देखो क्या निशाने पे लग गया। अंधेरे में तीर चलाने वाले को पता है क्या कहते हैं? मेंटल। और तुम कुछ भी बोलने से पहले सोचते नहीं हो ना संजू? डॉक्टर वेदांत मेरे जीजू हैं और पूर्वा दी मेरी बड़ी बहन, जिन्हें मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। अच्छा, तो मतलब तुम्हारा यहाँ आना वेदांत भैया से जुड़ा हुआ नहीं है? पसंद नहीं करती हो क्या उन्हें? संजू, तुमने कभी सोचा है कि हो सकता है मुझे कोई और पसंद हो? पंखुड़ी, पसंद है यानी? मिठाई के डब्बे कोई रसोई से लाकर रखेगा? मंजुला लाई अम्मा। डॉक्टर रश्मि प्लीज, सारे अपॉइंटमेंट सेकंड हाफ में रखेगा, मैं अनाथ आश्रम सीधा हॉस्पिटल पहुंचूंगा। ठीक है मां, लाइए। दादी कार आ गई। अरे पूर्वा कहां रही? पूर्वा। नानी मौसी, मैं तैयार हूँ। उस दिन अच्छा ही डॉक्टर वेदांत ने दिखाई और बेचारे फंस गए। जो खुद ठीक नहीं होना चाहता, उसे ठीक करने का बोझ अब डॉक्टर वेदांत पे मत डालिए। बेटा तू रहने दे। क्यों? ओह बेटा, अभी तूने इंटर्नशिप शुरू की है ना, तू चुपचाप हॉस्पिटल में जा, अपने काम पे ध्यान दे, तुझे बड़ी डॉक्टर बनना है ना। करेक्ट, दादी ठीक कह रही है। नरेंद्र, ये सारा सामान गाड़ी में रखवाओ। हे भगवान, इस लड़की को देखो, हमेशा फोन को घूर कर आहे भरती रहती है। गुस्सा फोन। अम्मा आप तो बस 24 घंटे मेरे पीछे पड़ा रहा करो, और कोई ना दिखे आपको। नहीं नहीं, सामान लेकर जा बाहर। चल वेदांत, संजू के बाबूजी से भी कहे साथ चलने। अरे जहाँ जाना है ना, वहाँ रमेश को वेदांत के बाबूजी के नाम से बुलाया जाएगा और उसका घमांड उसे वहाँ जाने की इजाजत देगा नहीं ना? आपके चेहरे पर स्माइल बताऊं कैसी लगती है? जैसे दादी के पराठों में देसी घी। तो ऐसे ही स्माइल करिए और बाबूजी के पास जाके पूछ लीजिए। बेचारी हर साल मनाने की कोशिश करती है और हर साल वो मना कर देता है, फिर अब क्यों? दादी, क्योंकि आप ही ने हमें सिखाया है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और अगर सबको साथ लेके चलना हो तो उम्मीद को ऐसे कस। सोला अन्य सच।
पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देकर अगर तूने पास होने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो। पर पापा मैं फिर से फेल हो गया तो मेरा तो फ्यूचर गया ना। तू मेरा बेटा है, ये घर अस्पताल अनाथाश्रम सब तेरे ही तो हैं। बस एक बार उस गुदड़ी लाल को शर्त में हरा के ना अस्पताल में दुकान खोल लूं, क्योंकि आजकल उसकी जो ज्यादा चलने वाली जुबान है वो हमेशा के लिए बंद हो जाए। अरे भाई तू मुंह लटका के क्या खड़ा है, तू जा अनाथाश्रम में उन सबके साथ जा। मैं क्या करूंगा वहां जाके, बोर हो जाऊंगा। एक बात ध्यान से सुन, जो अपने हक का ध्यान खुद नहीं रखते ना लोग उनका हक छीन लेते हैं। सारी दुनिया को पता चलना चाहिए कि गंगा दत्त त्रिपाठी का असली पोता संजय त्रिपाठी है। क्या आप क्या कह रहे हैं? आपने मेरे साथ जो किया सो पर अपने खुद के स्वार्थ के लिए मेरे बेटे के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? संजीव मेरा बेटा है, उसके लिए सही क्या है गलत क्या है मैं अच्छे से जानता हूं। संजू तू जा उनके साथ जा। उस गुदड़ी लाल पे नजर रखने के लिए संजू तू मेरी आंखें बनेगा। चलें क्या दादी? हाँ जरा देख लें थोड़ा सामान जरा। हाँ तुम तो मना कर रहे थे ना, और पढ़ाई? भैया वो तो मैं एक्स्ट्रा टाइम लेके कवर कर लूंगा। पर ये भी तो जरूरी है ना, आई मीन फैमिली, दादाजी का ट्रेडिशन, ये सब किताबों से ज्यादा जरूरी है ना। ओए होए संजू मुकुल मुकुल, दादी क्या कर रहे हो? अरे मैं देख रही हूँ कि तेरी अक्कल दा कब आई। लेट नहीं हो रहा है? हाँ, चलते, चलते। भैया रुकिए, मैं मदद कर देता हूँ, आपका बोझ हल्का हो जाएगा। वेदांत वो औरतें यहाँ? पूर्वा इनमें से कुछ बच्चे इन्हीं औरतों के हैं। तो फिर ये बच्चे अनाथ कैसे हुए? अनाथ वो होते हैं पूर्वा जिनका परिवार नहीं होता है, लेकिन कई बार हमारे समाज में कुछ ऐसे आदमी भी होते हैं जो एक माँ को मजबूर कर देते हैं कि अपने बच्चे को अनाथ आश्रम में रखें, कभी जोर जबरदस्ती करके, कभी वादा करके धोखा देके। ऐसे में जब परिवार साथ छोड़ देता है तब हम उन लोगों का हाथ पकड़ते हैं। चले बेटे। चले दादी। दादी इतना काफी था? क्यों, हर साल जितना लाते हैं उतना ही लेकर आए हूं। हाँ पर सिर्फ कपड़े और खिलौने बांटने से काफी है क्या? आप ही ने तो कहा था कि इन बच्चों का परिवार हम बनते हैं, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिसे इन्हें सच में लगे कि वो हमारे परिवार का एक हिस्सा है। पूर्वा बिल्कुल सही बोल रही है। दादी पूर्वा मुझे इसके बाद हॉस्पिटल भी जाना है, उसके बाद मेरे पेशेंट्स। आप पहुंच जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आई प्रॉमिस। लेकिन भाभी आपका प्लान क्या है?
मिसेस पूर्वा वेदांत त्रिपाठी, आप कल हमारे साथ चलेंगी क्योंकि आप भी इस फैमिली का हिस्सा हैं। सोनोग्राफी की रिपोर्ट कब मिलेगी डॉक्टर? रिपोर्ट ठीक तो होगी ना डॉक्टर? मैम प्लीज, आपके बार बार पूछने से रिपोर्ट्स खुद तो चलकर नहीं आ जाएंगी ना। रिपोर्ट्स को उतना ही टाइम लगेगा जितना लगता है, ये बात आपको खुद समझनी चाहिए। प्लीज जाइए, आप कल आइएगा। डॉक्टर पंखुड़ी, ये तरीका नहीं है पेशेंट से बात करने का। डॉक्टर वेदांत अपने पेशेंट्स को अपनी फैमिली समझते हैं और यहाँ पर सभी लोग डॉक्टर वेदांत के काम करने के तरीके को फॉलो करते हैं। अगर आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज। मैं खुद डॉक्टर वेदांत के घर पे रहती और मुझे पता है उनका काम करने का तरीका कैसा है, तो आप प्लीज ये मत जताइए कि आप उन्हें मुझसे बेहतर जानती हैं। प्लीज अभी एक पल भी और रुका ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अरे वेदांत, ये क्या बात हुई? वो क्या कहती है? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे दादी, मुझे हॉस्पिटल जाना है। और चाचू, आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या? और तू, तेरे एग्जाम्स नहीं है क्या राधिका? और दादी, आपको भी घर जाना चाहिए अब। थैंक यू पूर्वा, तुमने बिल्कुल सही कहा था कि सिर्फ कपड़े और खिलौने काफी नहीं होते। आज से पहले मैंने कभी इन्हें इतना खुश नहीं देखा है, उसके लिए थैंक यू। आपका भी थैंक यू मुझे इतनी सुंदर परंपरा का हिस्सा बनाने के लिए। और ये गेम्स वगैरह ऑर्गेनाइज करने में तो मैं चैंपियन हूँ, पता है? अपने ऑफिस की भी सारी पार्टीज मैं खुद ऑर्गेनाइज करती हूँ। बढ़िया, तो फिर दादाजी की बर्थडे पार्टी भी तुम ही ऑर्गेनाइज करो। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। अरे अभी तो बड़ी कॉन्फिडेंट थी, तुम चिंता मत करो, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम कर लोगी। डील? डील। दादाजी की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है ये पूर्वा। ये पार्टी पार्टी नहीं, बर्बादी होगी। उस कोठड़ी लाल और उसकी घरवाली को धूल चटाने का एक और मौका। गोमती, अरे कौन सा तेल कान में डाल के बैठी है जो सुनाई नहीं दे रहा तुझे? सुन साहब सुन, प्यार की धुन। गोमती! जी भैया। तुझसे बात कर रहा हूँ मैं। सॉरी भैया। ध्यान से सुन, इस बार हमें कुछ ऐसा करना है जो लड़की कुदरी लाल की नजर में हमेशा के लिए गिर जाए। कुदरी लाल को जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगना चाहिए। अच्छा भैया, यानी कि जोर का झटका, जोर से। आइडिया, शॉर्ट सर्किट। भैया, अब जोर का झटका तो बिजली ही दे सकती है ना? क्यों? अब समझ रही है तू, लेकिन हाँ, ये झटका गुदड़ीलाल के लिए नहीं है, पूर्वा के लिए है। और देख, अभी भाषणबाजी बहुत हो गई,
अब काम करने का वक्त आ गया। आपको क्यों नहीं दिखाई देता वेदांत कि दी आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, फिर भी आप उनके लिए कितना कुछ करते हो। पंखुड़ी, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। संजू, ये कोई तरीका हुआ किसी लड़की के कमरे में बिना नॉक किए आने का? और एक सेकंड, ये तुम क्या कर रहे हो? ध्यान से सुनो, पूर्वा भाभी हॉस्पिटल में एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है। संजू, मुझे पार्टी करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। पूरी बात तो सुन लो, भाभी को वहां पर इलेक्ट्रिक शॉक लगने वाला है। शॉक पूर्वा दी को? देखो पंखुड़ी, मैं जानता हूं कि तुम्हारी दीदी तुम्हारे लिए क्या है, इसीलिए खुद ही बताने चला आ गया। अगर वेदांत भाई ने मुझे हॉस्पिटल जाने से रोका ना होता तो मैं खुद चला जाता। कोई उन्हें क्यों शॉक? थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। थैंक्स। इलेक्ट्रिक शॉक, उसे मैं कैसे रोक सकती हूँ? तुम्हें भूख लगी है क्या? नहीं, क्यों? तो ये पेंसिल क्यों खा रही हो? अरे बाप रे, इतनी बड़ी स्माइल, और ये स्माइल आंखों तक पहुंच रही है, हो क्या गया आपको? कुछ नहीं, एक डिलीवरी थी जो कि बहुत स्मूथली हो भी गई, पर वो बच्ची ना पूर्वा, मैंने आज तक उससे ज्यादा गप्पू बच्ची को डिलीवर नहीं किया। गैस करो उसका वेट कितना होगा। 8 से 9 पाउंड। 12.5 पाउंड। क्या मतलब? ऑलमोस्ट 5.5 किलो। पर बेचारी वो गप्पू बच्ची की मम्मा, उनकी तो हालत ही खराब हो गई होगी ना? शायद। पता है पूर्वा, एक माँ जो इतना दर्द सहती है, बच्चे की आवाज सुन के जैसे जादू हो गया, सारी तकलीफें भूल जाती है। तुम ये सब क्या कर रही हो? पार्टी की तैयारी? ये सब क्या है? ये कौन करेगा? हम सब करेंगे, और कौन? तुम ही करना, मैं नहीं करने वाला ये सब। अरे डॉक्टर वेदांत त्रिपाठी, अब कोई और खेले या ना खेले, ना सिर्फ आप खेलेंगे बल्कि पर्ची में लिखी चीजें भी करेंगे। खेल नहीं है ये, उस कुदड़ी लाल की घरवाली को बड़ा जोश चढ़ा है ना पार्टी आयोजित करने का, एक झटके में उसका जोश ठंडा कर देता हूं मैं। भैया, पहले एक बार बहुत मुश्किल से बचे हैं, वो डब्बों के लेबल चेंज करने के इल्जाम से मुझे बाबुल के घर से विदा होकर जेल नहीं जाना है, अब तो बस एक ही बार अपने प्रीतम के घर जाना है। ये देख, ये मैसेजेस पढ़ लिए मैंने तेरे सारे, अच्छा है, मुझे बड़ी खुशी है, बल्कि मैंने तो पंडित जी को फोन भी मिला दिया था, लेकिन उस महारानी का सरदर्द मुझे मेरा दिमाग इस्तेमाल नहीं करने दे रहा। भैया आप टेंशन मत लो, आप अपने सिर का इस्तेमाल कीजिए और मैं उस दर्द को दूर करने का इंतजाम कर देती हूँ, बस आप हुक्म कीजिए, आप जैसा चाहेंगे ना वैसा ही होगा। गौर से सुन, उस पार्टी वाले हॉल में बाहर के लोगों का आना जाना मना है, ठीक? हमें एक इलेक्ट्रीशियन को हॉल के अंदर पहुंचाना है, वो हमारा अपना आदमी है, उसे जैसा कहेंगे वो वैसे करेगा,
सिर्फ हॉल में सही जगह पहुंचाना ये तेरा काम है। डील डन। भैया आप अपनी इस लाडली बहन की ढोली उठाने की तैयारी कीजिए और मैं उस महारानी को ठिकाने लगाती हूँ।